आप सभी लोगों का स्वागत है सच्चिदानंद मैथ पे। हम आप लोग को बताएंगे कैसे साधारण ब्याज इजी से इजी नियम लगाकर निकाला जाए ताकि वो बहुत कम समय में हल हो जाए, और उस तरह का सवाल टिप्त भी कभी उनको छोड़े मत। इसमें समस्या क्या होता है, कुछ मेरे भाई यदि थोड़ा समझ गए हो तो समझ लेते हैं, निकाल लेते हैं। कुछ लोग इसको पढ़ के निकाल नहीं पाते हैं कि समय और दर और मूलधन कौन है और कैसे हल किया जाए। सूत्र पता रहता है तो सबसे पहले इनमें से निकाला जाता है जो दिया हो, और पहले उनको पता कर लिया जाए कि कभी इस तरह का सवाल भूलने की जरूरत न पड़े। तो सबसे पहले हम एक लिखते हैं मूलधन, मूलधन उसके बाद दर, उनके बाद समय। देखिए अब जब आपको मूलधन दर यही निकालना है, अब इनमें देखेंगे मूलधन क्या है। तो मूलधन को हम लोग सबसे पहले दिया रहता है वही मूलधन। देखिए यहां पे 40,000 मूलधन है, कितना है 40,000, और दर में प्रतिशत लगा रहता है। देखिए जो व्यक्ति इसको ढूंढ लेगा निकाल लेगा वो रख के हल कर लेगा, और कोई कठिन बात नहीं है। तो दर में प्रतिशत लगा रहता है, तो यहाँ पे 30% तो वो दर है। उसके बाद समय, देखिए समय दिया रहता है 6 महीनों, 3 सालों, 1 वर्षों, 2 वर्ष, यानी वर्ष जिसमें लगा हो तो एक एक घंटा करके बढ़ा होगा वही समय होता है। तो यहाँ पे 3 वर्ष दिया है, कितना है 3 वर्ष। तो पता हो गया मूलधन, दर और समय। अब हम लोग क्या करते हैं तो देखेंगे, अब इसमें निकालना क्या है। देखिए 40,000 रुपये का 30% की वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो जो निकालना है यहाँ पे दिया है साधारण ब्याज, जिसको हम लोग भोजपुरी भाषा में देहात में लोग ब्याज कहते हैं, यानी कहते हैं पैसे सूद पे लेना। और हम लोग सवाल बनाने के लिए अपने पढ़ने लिखने के बोल भाषा में हम लोग साधारण ब्याज कहते हैं, और भोजपुरी में और गांव देहात के लोग उनको ब्याज कहते हैं। कहते हैं सूद पे पैसा लेना, कितना सूद हुआ इस तरह लेन देन की बात करते हैं। अब हम लोग को निकालना है साधारण ब्याज। और साधारण भी कह सकते हैं, ब्याज भी कह सकते हैं, दोनों एक ही, यदि जोड़ के भी कहेंगे तो वो भी सही है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणते दर गुणते समय बटे में 100 बटे में 100। देखिए जब आपको साधारण ब्याज निकालना हो तो इसका सूत्र इतना आसान है कि आपको बस सोचना है, थोड़ा सा देखना है, उसके बाद इसको आप भूलेंगे कभी नहीं। साधारण ब्याज जब निकाला जाता है तो तीनों का गुणा किया जाता है, मूलधन दर समय और 100 से भाग दे दिया जाता है, वही साधारण ब्याज हम लोग का आ जाता है। अब यहाँ पे मूलधन दिया है 40,000 गुणते दर 30 और गुणते यहाँ पे समय कितना है और यहाँ पे दिया है 3 वर्ष, समय कितना है 3 वर्ष, तो हम 3 यहाँ पे लिख दिए, कितना लिख दी 3। अब भाग किन का देना है 100 से भाग देना है, 100 से भाग देना है। अब भाग दीजिए तो अब हम लोग 0 को 0 से कैंसिल करा लेंगे। इतना तो काट पीट करने सब लोगों को आता है बचपन से, सही बात है,
ये तो छोटी बात है कि बचपन से सब लोग काट पीट कर रहे थे, तो जीरो को जीरो से कैंसिल करा दिए, ये जीरो को इनसे कैंसिल करा दिए। अब जो बचेगा उनका उनमें गुणा किया जाए, तीन का तीन में गुणा करेंगे तो आपको भी पता है कि तीन का तीन में गुणा करने से कितना होता है। तीन में जैसे तीन का गुणा करेंगे तो हो जाएगा नौ, हो गया। और गुणते इधर बचा है कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 4000 बचा है, पहले 40000 था तो यहां पे 4000 है और नीचे कुछ बचा है नहीं, तो अब गुना कर देते हैं। अंकों को अंकों में गुना करेंगे, अंक को अंक में गुना कर देंगे, जैसे न चौके 36 हो गया। उसके बाद जितने जीरो है उनको रख लीजिए। यही हम लोगों का शुद्ध हो जाता है, क्या हो जाता है शुद्ध, जिनको हम लोग कहते हैं साधारण ब्याज। क्या कहते हैं हम लोग, साधारण ब्याज हम लोग का निकल गया। अब हम लोगों को क्या करना है, यदि कोई व्यक्ति पैसा जो लिया, अब उनको शुद्ध, ये तो हम लोग का साधारण ब्याज निकला, लेकिन उनका जो 40000 रुपए का 30% की वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज याद कीजिए, तो ये तो हम लोग को 3 वर्ष का जो सूद है ना वो निकला है, 3 वर्ष का सूद निकला है। अब हम लोग को जब उस व्यक्ति को वापस करना होगा, देना होगा, तो सूद के साथ 40000 रुपये में, क्या 40000 रुपये में हम लोग उनको 36000 रुपये को जोड़कर दे देना होगा, तब हम लोग का पूरा पैसे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब वो व्यक्ति मांगेगा नहीं। यदि आपको सवाल समझ में आया तो एक लाइक कीजिए और एक कमेंट भेज दीजिए।